हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो कि मेरे अंदर 100% वर्किंग थी और मुझे बेबी बॉय हुआ। जिन लक्षणों को देखकर मुझे बुजुर्ग महिलाओं ने, मेरे आस पड़ोस की जो दादी हैं, नानी हैं, उन लोगों ने मुझे देखते से ही, उन लक्षणों को देखते से ही ये बोल दिया था कि बेटा, तुझे बेटा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये ज़रूरी है कि इन लक्षणों की वजह से ही मुझे बेटा हुआ, या कितनी सच्चाई है। साथ ही हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मुझ में लक्षण दिखाए गए थे वो क्यों लिखाए गए थे, ऐसा क्यों होता है। क्या ये सिर्फ उनमें ही होता है जिन्हें बेटा होता है, या फिर कभी कभी ये उनमें भी देखे जाते हैं जिन्हें बेटियाँ होती है। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको सही जानकारी देना है, ना कि मैं ये आपको जेंडर प्रेडिक्शन की ओर लेकर जा रही हूँ। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये मेरे अंदर सिम्टम था और मुझे बेटा हुआ, और आपके अंदर सिम्टम था तो आपको भी बेटा होगा। मैं चाहूँ तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि दोस्तों, 100% ये वर्किंग होते हैं और आपको 100% बेटा ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों को गलत जानकारी नहीं देना चाहती, क्योंकि ऐसे तो आप यूँ भी पता कर सकते हो, आप एक सिक्का उछाल सकते हैं, हेड आया तो बेटा, टेल आया तो बेटी, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए आप लोगों को कोई भी गलत जानकारी नहीं देना चाहती। ये सही बात है कि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाती हूँ अक्सर, मेरे चैनल पे बहुत सारे इस टाइप की वीडियोस मिलेंगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। लेकिन दोस्तों, वो वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कहने पर बनाया है। मुझे कमेंट में लोगों ने कहा है, और मैंने कई सारी वीडियो में जो सिम्टम्स मेरे अंदर थे वही आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है, ये भी बताया है कि ये सिम्टम्स मुझ में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप में मिलते हैं तो आपको भी बेटा होगा, ठीक है। साथ ही मैंने उसके पीछे का रीज़न भी बताया है। अगर मैंने उस वीडियो में नहीं बताया तो मैंने आगे पीछे कुछ बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, इतना मुझे याद नहीं है, उनमें बताया होगा। लेकिन हर लक्षण के पीछे रीज़न होता है, हर लक्षण का कोई ना कोई कारण होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में वही लक्षण दिखे तो सबको वो लड़का होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जिन्हें लड़के वाले लक्षण कहा जाता है, बट उन्हें बेटियाँ भी हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ लक्षण बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कि आपको बेटा होगा, लेकिन उसके पीछे का रीज़न भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि ये कितना वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है, काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है, यूट्यूब पर वीडियोस भी आपने देखी होगी, जो कि है उल्टियाँ वॉमिटिंग को लेकर। ऐसा माना जाता है, बड़े बुजुर्गों का ऐसा कहना होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, उल्टी की शिकायत होती है, तो आपका होने वाला जो बीबी होता है वो बेटा होता है। जबकि दोस्तों, उल्टी की समस्या बहुत सारी महिलाओं में होती है, कुछ ही परसेंट महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें उल्टियों की शिकायत नहीं होंगी, और जिन्हें होती है, अधिकतर महिलाओं को 3 महीने तक ही होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उनकी उल्टियों की समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ परसेंट, 10% लगभग महिलाएं ऐसी होती होंगी जिन्हें पूरी प्रेगनेंसी में उल्टियाँ हुआ करती होंगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ, जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे पूरे 9 महीने उल्टियाँ हुई थी। तो एक ऐसा लक्षण देखकर लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हें उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो तुम्हें बेटा होने वाला है। अब मैं ये सोचकर नहीं बैठ गई थी कि मुझे तो बेटा होने वाला है, लेकिन इसकी बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियों की शिकायत है, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, जैसे कि अगर आप कुछ भी लिक्विड लेती हैं, जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि पानी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड करता है उल्टी को, अगर आपको उल्टी, जी मचलाना जैसे समस्या हो रही हो, और अगर आप पानी पी लेती हैं तो आपकी ये उल्टी आपको आना थोड़ा सा, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ऐसे में क्या होता है, जब आप उल्टी करती हैं
वॉमिटिंग होती है आपको, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है, तो ऐसे में आपको डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो सकती है, जिससे कि गर्भ में आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। सो आपको यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है कि ये तो लड़का होने का लक्षण है, जी नहीं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर आपने आपको प्रेगनेंसी के पहले आपको उल्टी की शिकायत रहती हो, जैसे हेडेक होता हो और उल्टियां हो जाती हो, या भी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम रहती हो आपको, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो तब आपको ये प्रॉब्लम हो जाती हो, तो आपको हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये प्रॉब्लम हो कि बार बार आपको वॉमिटिंग हो। ऐसे ही कुछ मेरे साथ था, मुझे भी पहले से ही उल्टियों की शिकायत होती है मोशन सिकनेस के कारण, और हेडेक की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मुझे उल्टी की शिकायत थी, तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी भर उल्टी की शिकायत रही थी। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके साथ हो तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको उल्टी होगी, तो आपको इसका इलाज ढूंढना है। आपको पानी जब तक नहीं पीना है तब तक आपको ही पूरी तरह से उल्टी बंद हो जाए, और आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना है, आपको आधे से एक घंटे के बाद पानी पीना है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुबह उठते से ही आपको चाय कॉफ़ी पानी वगैरह नहीं लेना है, आप थोड़ा सा सॉलिड ले सकते हैं, सॉलिड इन द सेंस आप बिस्किट वगैरह खाएं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, देन आप पानी पी सकती हैं। आपको उठते से ही अगर आप पानी पीते हैं तो भी आपको उल्टी की शिकायत हो सकती है। फिर बढ़ते हैं आगे और दूसरे लक्षण की ओर। अब ऐसा माना जाता है कि अगर आपके आपका जो बेबी है वो पाँच महीने के बाद यानी कि थोड़ा सा लेट हलचल करता है, लेट मूवमेंट करता है, तो ये लड़का होने की निशानी होती है। ठीक है, मैं मानती हूँ ये मेरे साथ सच हुआ था, मैंने इस पर कई सारी वीडियोस भी बनाई, लेकिन दोस्तों क्या लड़की हलचल नहीं कर सकती? क्या लड़की ज़्यादा हलचल मतलब लड़की पहले सॉरी लड़की बाद में हलचल नहीं कर सकती क्या? उसे थोड़ी पता है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे बाद में हलचल करना है ना। तो लड़का हो या लड़की, अगर वो अंदर हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, तो वो हलचल जल्दी स्टार्ट कर देगा। अगर वो जल्दी हलचल स्टार्ट नहीं करता है, देर से करता है, तो हो सकता है उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आप एकदम से खाना पेट भर के खा लेती हो जिसके कारण उसे स्पेस नहीं मिल पाता हो और वो मूवमेंट नहीं कर पाता हो, या फिर इसका एक रीज़न हो सकता है कि आपकी पहले प्रेगनेंसी हो तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेबी मूवमेंट कर रहा है, आप उसे इग्नोर कर रही हो या फिर उस तक आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है, ये भी हो सकता है। तो इससे आप जज नहीं कर सकते कि अंदर बेटा है या बेटी है। हलचल पहले, मैंने कई सारी महिलाओं में ये भी देखा है कि उन्हें हलचल पहले महसूस हुई है और उन्हें बेटा भी हुआ है। तो आपके साथ आपका कौन सा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, और आपको अब तक हलचल महसूस हुई या नहीं हुई, आपको किस महीने में हलचल महसूस हुई थी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। सो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा सिम्टम नहीं लिए हैं। आई होप कि आपको इन दो सिम्टम्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर